बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम क्लास टेंथ। टुडे आई एम हेयर टू इंट्रोड्यूस यू यूनिट नंबर 13, दैट इज़ द मॉडल मिलियनेयर। ओके स्टूडेंट्स, इट्स अ स्टोरी रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड एंड द थीम ऑफ दिस स्टोरी इज़ जेनरॉसिटी, कंपैशन एंड ग्रेटिट्यूड। ओके, इसका थीम है जेनरॉसिटी, सखावत, कंपैशन, हमदर्दी या मेहरबानी, और ग्रेटिट्यूड मतलब शुक्रगुजार होना, मतलब अल्लाह ने आपको कोई नेमत दी है या आपके पास जो कुछ भी है उसके ऊपर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना। नाउ वी विल डिस्कस इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी। एलिमेंट्स कहते हैं कोई भी अज्जा जिनसे मिलके स्टोरी बनती है या किसी भी स्टोरी के हिस्से। तो देर आर 5 मेजर एलिमेंट्स इन अ स्टोरी। दोज आर प्लॉट, कैरेक्टर्स, सेटिंग, कॉन्फ्लिक्ट एंड थीम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द सेटिंग ऑफ अ स्टोरी। द सेटिंग इज़ व्हेन एंड वेयर अ स्टोरी टेक प्लेस। जिस जगह पे स्टोरी बनी होती है वो उसकी सेटिंग कहलाती है। अ सेटिंग कैन बी अ होम, अ सेटिंग कैन बी अ ऑफिस, अ सेटिंग कैन बी इन द जंगल, अ सेटिंग कैन बी अर्थ। ठीक है, और सेटिंग जो है वो जो भी हो उसका स्टोरी के ऊपर बहुत ज़्यादा मेजर इफेक्ट होता है। ठीक है, अ सेटिंग ऑन अर्थ वुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ सेटिंग ऑन द प्लेन। ठीक है, अगर अर्थ के ऊपर जो है, ज़मीन पे किसी जगह पे स्टोरी बनी है तो वो डिफरेंट होगी, प्लेन में बनी है तो वो उसकी सेटिंग जो है वो डिफरेंट होगी। सो सेटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। नाउ द नेक्स्ट एलिमेंट इज़ कैरेक्टर्स। अ स्टोरी कैरेक्टर्स आर आल्सो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। कैरेक्टर्स से मुराद किसी भी कहानी के अंदर किरदार। ठीक है, और द राइटर रिवील्स द कैरेक्टर बाय थ्रू कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, कैरेक्टराइजेशन के थ्रू जो है वो कैरेक्टर्स को रिवील करता है और हमें बताता है कि कौन सा कैरेक्टर जो है वो क्या है। ऑथर रिवील्स कैरेक्टर थ्रू कैरेक्टराइजेशन, एंड कैरेक्टराइजेशन इज व्हेन द ऑथर रिवील्स द कैरेक्टर थ्रू व्हाट द कैरेक्टर। ठीक है, कैसे रिवील होती है कैरेक्टराइजेशन, कि वो हमें बताता है स्टोरी के अंदर कि कौन सा कैरेक्टर जो है उसका क्या किरदार है। जैसे आज हम जो सी स्टोरी रीड करने जा रहे हैं मॉडल मिलियनेयर, तो इसमें जो ह्यू एस्काइन है तो वो जो है वो एक फ्रेंच एरिस्टोक्रेट है। ठीक है, और उसका कैरेक्टर जो बयान किया गया है कि वो बहुत गुड लुकिंग है, और उसके बिहेवियर के बारे में बताया गया कि उसका बिहेवियर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, और नेक्स्ट एलिमेंट इज़ प्लॉट। द स्टोरीज प्लॉट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स। ठीक है, प्लॉट जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी स्टोरी का। अब प्लॉट जो होता है वो क्या होता है, प्लॉट इज़ अ सीरीज ऑफ इवेंट इन द स्टोरी। कि स्टोरी के अंदर क्या क्या इवेंट हो रहे हैं और जिनसे मिलके जो स्टोरी बनी है वो सारा उसका प्लॉट कहलाता है। मतलब किसी भी स्टोरी की जो पूरी जो कहानी होती है उसके अंदर क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं वो सारा उसका प्लॉट कहलाता है। और प्लॉट्स के अंदर मुख्तलिफ जो प्लॉट कंटेंट्स, एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमेक्स, फॉलिंग एक्शन एंड रेजोल्यूशन। ठीक है, प्लॉट जो है वो इन अज्जा पे मुश्तमिल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन रिवील्स द स्टोरी सेटिंग्स एंड कैरेक्टर्स। ठीक है, एक्सपोजिशन को आप स्टोरी की बिगिनिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसमें बताया जाता है कि स्टोरी की सेटिंग क्या है और उसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, मतलब कैरेक्टर्स से हमें इंट्रोड्यूस की करवाया जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपोजिशन में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है राइजिंग एक्शन। अब राइजिंग एक्शन क्या होता है कि जैसे जैसे स्टोरी जो है वो डिवेलप करती है और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो शुरू हो जाता है तो वो उसका राइजिंग एक्शन होता है। उसके बाद आता है क्लाइमेक्स, द टर्निंग पॉइंट इन अ स्टोरी ऑफ एन वेरी सस्पेंसफुल। ठीक है, क्लाइमेक्स जो है जब स्टोरी अपने पीक पे चली जाती है। ठीक है, और वहाँ से उसका टर्निंग पॉइंट शुरू होता है तो वो उसका क्लाइमेक्स कहलाता है। देन द नेक्स्ट इज फॉलिंग एक्शन। द इवेंट्स इन द स्टोरी बिगिंस टू कम टू अ क्लोज। अब जो है इवेंट जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खुलते वो स्टोरी जो है वो रिजॉल्व होती जाती है और हमें अब अंदाज़ा होता जाता है कि अब जो है वो आगे क्या होने जा रहा है, तो वो उसका फॉलिंग एक्शन कहलाता है। ठीक है,
फॉलोइंग एक्शन के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो हमारे पास आ जाता है एक्सपोजिशन, रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन को हम एंडिंग भी कह सकते हैं या एंडिंग पॉइंट भी कह सकते हैं, ठीक है। और जितने भी उसके अंदर स्टोरी के अंदर लूज स्ट्रिंग्स थे, ठीक है, जो चीज़ हमें क्लियर नहीं थी स्टोरी, वो हमें क्लियर होना शुरू हो जाती है और सारा जो है वो मसाइल जो हैं वो हल हो जाते हैं और आखिर में एंड हो जाता है। लेट्स कम टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर नाउ। ह्यू एरस्काइन वॉज अ गुड लुकिंग मैन। ह्यू एरस्काइन वॉज बेस्ट लुकिंग जेंटलमैन इन लंदन। ही हैड कर्ली ब्राउन हेयर्स, ग्रे आईज एंड अ हैंडसम फेस। ही हैड ऑल्सो मैनी फ्रेंड्स। ह्यू एरस्काइन डिड नॉट हैव मच मनी। हिज फादर हैड बीन एन ऑफिसर व्हेन ही डाइड। एरस्काइन वन अ लॉट ऑफ बुक्स फ्रॉम हिज फादर बट नो मनी। ही हैड ट्राइड टू डू सेवरल जॉब्स बट ही कुडंट। इन दीज पैराग्राफ्स वी आर इंट्रोड्यूस्ड टू द कैरेक्टर ऑफ ह्यू एरस्काइन, ठीक है। ह्यू एरस्काइन जो है स्टोरी का मेन कैरेक्टर है और उसके बारे में बताया गया है कि वो गुड लुकिंग था और ही वॉज वेल मैनर्ड एंड उसके जो भी वो डिस्क्रिप्शन है वो बयान किया गया है कि उसकी कर्ली और आइज़ जो हैं वो ग्रे थी और उसका जो है वो बहुत हैंडसम था और उसके बहुत ज़्यादा दोस्त थे और उसका बाप जो था वो एक ऑफिसर था। ह्यू वॉज इन लव एंड वॉन्टेड टू गेट मैरिड विद लॉरा मार्टिन, अ डॉटर ऑफ एन आर्मी ऑफिसर। द ऑफिसर डिड नॉट टेक द लॉरास हैंड फॉर ह्यू। इफ ही हैव 10,000 pounds, द फादर विल गिव हिम टू हिम लॉरास हैंड। इस पैराग्राफ में दो न्यू कैरेक्टर्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं जो कि लॉरा मार्टिन और ऑफिसर हैं, ठीक है। ऑफिसर कौन है? कर्नल मार्टिन हैं, ठीक है। नाम यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। और लॉरा मार्टिन का जो बाप है वो एक आर्मी ऑफिसर है और उसका नाम जो है वो कर्नल मार्टिन है, ठीक है। और ह्यू जो है वो एंगेज हो चुका है लेकिन अब जो है उसका बाप जो है वो उसको उसका हाथ जो है वो देने के लिए तैयार नहीं है, उसके साथ शादी पर रजामंद नहीं है क्योंकि उसको ह्यू को कारोबार के अंदर भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और उसके पास जो है शादी करने के लिए 10,000 pounds नहीं हैं। और लॉरेंस के बाप ने ये शर्त रखी है कि वो अपनी बेटी की शादी तब उसके साथ करेगा जब उसके पास 10,000 pounds जमा हो जाएंगे। बट ही डिड नॉट हैव 10 pounds, उसके पास 10,000 pounds नहीं थे। ही कुड नॉट विन 10,000 pounds। एवरी वीक ही वन 4 or 5 pounds फ्राम हिज ओल्ड आंट, और हर हफ्ते जो है एक ओल्ड आंट से उसे 5 pounds मिलते थे। ह्यू वॉज मोस्ट ब्रोक, और वो मुकम्मल टूट चुका था। ह्यू हैड अ फ्रेंड कॉल एलन ट्रेवर, और उसका एक दोस्त था जिसका नाम एलन ट्रेवर था। एलन वॉज एन आर्टिस्ट हु पेंटेड पिक्चर्स ऑफ पीपल। ही वॉज अ गुड आर्टिस्ट एंड क्वाइट फेमस। मैनी पीपल वॉन्टेड हिम टू पेंट देयर पोर्ट्रेट। Alan's pictures were very expensive. One day he visited Trevor in his studio when he was working in a painting. अब इसमें हमें एक और कैरेक्टर जो इंट्रोड्यूस किया गया है विच इज़ ह्यू फ्रेंड एलन ट्रेवर, ठीक है। ह्यू का दोस्त है एलन ट्रेवर, उसको इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि एक आर्टिस्ट है और पिक्चर्स बनाता है और उसकी पिक्चर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कीमती होती हैं। और एक दिन जो ह्यू उसको विज़िट करने जाता है उसके स्टूडियो में जब वो एक पिक्चर पर काम कर रहा होता है। एलन आस्क्ड टू ह्यू अबाउट हिज न्यू पेंटिंग एंड हिज मॉडल अ ओल्ड बिगर, और वो एक न्यू मॉडल बना रहा है, न्यू पेंटिंग बना रहा है जो कि एक बूढ़े भिखारी की है, ठीक है, भिखारी मांगने वाला बेगर। द मैन वॉज सेड इन ओल्ड क्लास, वो कहते हैं कि वो जो बेगर है वो वहाँ पर मौजूद था और उसको देख के वो उसकी पिक्चर बना रहा था और वो जो था बहुत ज़्यादा बूढ़ा था। और एलन वॉज सेइंग द बेगर वॉज वंडरफुल, लेकिन एलन कह रहा था कि बहुत ये है। ह्यू ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। एलन ने कहा कि ऑफ़ कोर्स ही इज़ सेड आई कैन नॉट यूज़ अ हैप्पी मॉडल, अब कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है, अब मैं बेगर की तस्वीर पेंट कर रहा हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी मॉडल जो है वो पेश नहीं कर सकता, अपनी तस्वीर में मैंने उसको अफसरदा ही दिखाना है। एरस्काइन आस्क हाउ मच यू आर गिविंग फॉर दिस ओल्ड बेगर, अब वो कहते हैं कि तुम उसकी पेंटिंग बना रहे हो और तो और वो स्टूडियो आ रहा है तो आप उसको क्या पेयर कर रहे हो। यू डिड नॉट लाइक द आइडिया टू गिव अ लिटिल मनी फॉर द बेगर मॉडल, तो उसने कहा कि मैं एक उसको एक शिलिंग पे कर रहा हूँ, तो ह्यू जो है वो खुश नहीं हुआ और वो कह रहा था कि तुम्हें इसको ज़्यादा पे करना चाहिए। He gave to him all his money. The beggar did not understood why he did it.
तो उसने क्या किया कि उसके पास जो भी मनी थी वो सारी बेगर को दे दी, और बेगर जो हैरान हुआ कि उसने ऐसा क्यों किया। लोरा आस्क हिम द सेम क्वेश्चन, नो वी कैन नॉट गेट मैरिड बिकॉज यू गेव ऑल योर मनी फॉर अ बेगर, सेड द वुमन। लेटर दैट नाइट ह्यू मेट एलन एट पैलेट क्लब, दे हैड अ टॉक। ह्यू फाउंड आउट फ्रॉम एलन दैट द मॉडल वॉज एक्चुअली नॉट अ बेगर मैन बट अ मिलियनेयर नेम्ड बेरन हासबर्ग। लोरा को जब पता चलता है कि उसने बेगर की हेल्प की है तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है और कहती है कि मुझे लगता है कि हमारी शादी नहीं हो सकती क्योंकि आप अपनी सारी जो दौलत है वो भिखारियों पे लुटा रहे हों। उसके बाद वो एलन ट्रेवल जो उसका फ्रेंड था उससे मिलता है एक क्लब में, तो वो उसे बताता है कि वो भिखारी जो है वो एक्चुअली भिखारी नहीं है बल्कि उसका नाम बेरन हासबर्ग है और वो इंतहाई अमीर आदमी है और वो लंदन के अमीर तरीन आदमियों में से एक है, ठीक है, और ही इज़ अ मिलियनेयर। ह्यू वेंट होम अनहैप्पीली, वेयर इज एलन लाउडली। द नेक्स्ट मॉर्निंग अ मैसेंजर फ्रॉम बेरन हासबर्ग केम एंड ब्रॉट हिम अ लेटर। द लेटर कंटेंड अ चेक फॉर 10,000 pounds विच वॉज अ वेडिंग प्रेजेंट टू ह्यू एस्काइन एंड लोरा मार्टन फ्रॉम बेरन हासबर्ग। ऑन द डे ऑफ द मैरिज एलन ट्रेवर वॉज द बेस्ट मैन एंड द बेरन मेड अ स्पीच एट द वेडिंग ब्रेकफास्ट। एलन सेड, Millionaire models are rare enough, but modern millionaires are rarer still. नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि एलन जो है वो उसका मजाक उड़ाता है कि उसने चंद सिक्कों से जो है वो इतने अमीर तरीन आदमी की हेल्प की है, तो वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करता है, बहुत ज़्यादा उसे शर्मिंदगी होती है और वो जो है वो सैड मूड में घर वापस जाता है और एलन उसके ऊपर हंसता है। अगली सुबह बेरन हासबर्ग की तरफ से वो जो भिखारी था उसकी तरफ से एक मैसेज आता है और एक बंदा आता है जो कि एक लेटर लेके आता है और लेटर के अंदर जो है वो एक चेक होता है जो बेरन हासबर्ग भेजता है एक एज अ वेडिंग प्रेजेंट, ठीक है, शादी के तोहफे के तौर पर ह्यू और लोरा के लिए। और शादी वाले दिन एलन ट्रेवर जो है वहाँ पे बेस्ट मैन होता है क्योंकि एलन जो है वो हासबर्ग को ह्यू की तमाम हालात के बारे में बताता है और उसे ये भी बताता है कि लोरा के बाप ने ये शर्त रखी है कि जब तक उसके पास 10,000 pounds नहीं होंगे वो अपनी बेटी की शादी उसके साथ नहीं करेगा। तो हासबर्ग जो है वो पहले ही उसके बिहेवियर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका होता है क्योंकि वो खुद क्राइसिस में था लेकिन इसके बावजूद उसने उसकी हेल्प करने की कोशिश की थी। तो फिर वो सोचता है कि वो लाजमी इस इंसान की मदद करेगा जो इतना सही है। तो वो फिर उसको प्रेजेंट के तौर पे 10,000 pounds भेज देता है और ब्रेकफास्ट में वो एक स्पीच करता है और जिसमें कहता है कि मिलियन मॉडल्स आर इनफ बट मॉडल मिलियनेयर्स आर रेयरर स्टिल। मतलब वो कहता है कि लखपति मिसाली जो हैं वो नायाब हैं, ठीक है, लेकिन मिसाली लखपति जो हैं वो बहुत ज़्यादा नायाब हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे लोग जो लखपति हैं वो नायाब हैं, ठीक है, यानी वो नहीं मिलते, बट मॉडल मिलियनेयर्स आर रेयरर स्टिल, लेकिन मिसाली लखपति, ठीक है, यानी पैसा होने के बावजूद ऐसे लोग जो मिसाली हैं जिनकी मिसाल दी जा सकती है वो मिलना बहुत मुश्किल है।